सभी श्रोताओं को और दीप्ति मिश्रा जी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम प्रभा खेतान फाउंडेशन और झिलमिल अमेरिका के सौजन्य से हो रहा है। प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो कलम सीरीज है वो एक प्रयास है अच्छे लेखकों और अच्छे कवियों को, कवियों और कवियत्रियों को उनके श्रोताओं से मुखातिब करने का। तो हमें खुशी है कि आज ये हमारा तीसरा कार्यक्रम है अमेरिका के श्रोताओं के लिए, जो कि हम कलम फाउंडेशन, प्रभा खेतान फाउंडेशन के सानिध्य में करने जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवियत्री, लेखिका, अभिनेत्री और बहुत ही इसको बोलना चाहिए सुलझे हुए विचारों की एक 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 व्यक्तित्व हमारे बीच में है, जिनसे आज हम बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं दीप्ति मिश्रा जी का। दीप्ति जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार अनुप जी, और धन्यवाद मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के। तो ये जो कोरोना आजकल चल रहा है उसका हम लोग इसको बोलना चाहिए एक तरह से फायदा उठा रहे हैं कि सभी कलाकार आजकल सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। तो दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है। दीप्ति जी मुंबई में बैठी हैं और मैं यहाँ न्यूयॉर्क अमेरिका में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत ही, यहाँ पे सुबह के 11 बजे हैं, दीप्ति जी के यहाँ शाम के 8:30 बजे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दीप्ति जी के संक्षिप्त परिचय से। तो दीप्ति जी तो अपने बारे में बताएंगी ही, लेकिन जितना मुझे मालूम हुआ है दीप्ति जी का जन्म लखीमपुर खीरी में हुआ और बचपन से ही आपको लिखने में और कविता में, शेर व शायरी में एक एक रुचि सी रही। उनकी डायरियों के जरिए होती हुई कुछ कविताएं, कुछ गजलें सामने आईं और दीप्ति जी से हम बात करेंगे। लेकिन दीप्ति जी की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बता दूं कि दीप्ति जी की 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहली उनकी जो गजलों की किताब थी बर्फ में पलती हुई आग, उसके बाद उनकी जो दूसरी किताब थी वो उनकी सिग्नेचर गजल भी मैं कहूंगा है तो है, जो कि आज हम उनसे सुनेंगे। उसके बाद उनकी एक तीसरी किताब बात दिल की कह तो दें आ चुकी है, और अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो दीप्ति जी उसके बारे में बताएंगी। लेकिन दीप्ति जी की जो गजलें हैं वो बड़े बड़े गायकों ने उसको अपनी आवाज दी है, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो गुलाम अली साहब का है, जिन्होंने एक पूरा उनका एल्बम दीप्ति जी की गजलों पे गुलाम अली साहब ने गाया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, नॉमिनेशन हुए। दीप्ति जी की गजलें हरिहरन साहब भी गा चुके हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि जी दीप्ति जी न केवल एक संवेदनशील कवियत्री हैं, एक अच्छी गजलकार हैं, साथ में वो अभिनय में भी दखल रखती हैं। और जिनमें से आपने देखी हो अगर तनु वेड्स मनु फिल्म, तो उसमें दीप्ति जी ने अभिनय किया था, और 50 सीरियल जो है टीवी सीरियल उसमें वो अभिनय कर चुकी हैं। अब उनके गीत जो हैं वो उन टीवी सीरियल्स में आए हैं। तो एक बार फिर से मैं दीप्ति जी का स्वागत करता हूं और अब आज की हम ये बातचीत शुरू करते हैं। आपको अगर कुछ प्रश्न हो तो हम कार्यक्रम के अंत में आप उनको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम कार्यक्रम के अंत में दीप्ति जी की तरफ मुखातिब होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन तब तक आप हमसे जुड़े रहें और अब हम बातचीत का सिलसिला औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। तो दीप्ति जी सबसे पहले तो आप कुछ पहले कुछ बातचीत शुरू करें उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगी, या मैं फिर सीधा आपसे सवाल पे आता हूँ। और वो सवाल जो अक्सर इस तरह के साक्षात्कारों में पूछा जाता है, जब आप बड़ी हो रही थी लखीमपुर खीरी में, तो वो कौन सा वक्त था या कौन सा ऐसा एहसास था जिसने आपको ये बताया कि जो दीप्ति मिश्र आप इस समय हैं वो आप बनना चाहती हैं, वो अनुभूति आपको कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में जरा बताइए, अपने बचपन के बारे में जरा सा बताइए कैसा रहा और कहाँ से आपको लिखने की प्रेरणा मिली, और जो भी आप कहना चाहें।
बचपन जैसा कि आपने बताया जन्म लखीमपुर खीरी में हुआ, फिर फादर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो पूरे यूपी में हम लोग घूमते रहे और उसी तरह से पढ़ाई होती रही। सीतापुर, गोरखपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, गाजियाबाद तो बाद में आना हुआ, ललितपुर और फिर बनारस, इलाहाबाद, तो उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में के स्कूल कॉलेजेस में जो है वो पढ़ाई हुई। और नहीं मालूम होता है कि क्या बनना है, आप क्या बनेंगे ये बनने के बाद पता चलता है कि हम ये बन गए। तो शुरू शुरू में तो जब बड़े हो रहे थे, जब जब आप आठवें के बाद नौवें में आते हैं, जब ये सब्जेक्ट्स लेने की बात आती है क्या लेना है, उस वक्त साइंस और आर्ट्स ना, तो उसमें साइंस तो ये था डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, डॉक्टर बनने के शौक में वो घड़ी भी उल्टी बांधना कि जो पल्स देखते हैं तो टाइम देखा जाए वो शौक होता है। फिर कुछ हुआ, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा, तो आर्ट साइड में आ गए। फिर पेंटर, पेंटिंग करते थे, फिर मतलब एक जो बहुत बचपन था उसमें फिल्में बहुत देखते थे हम, तो सबसे पहले तो हम हीरोइन बनना चाहते थे बहुत छोटे थे। फिर हमको ये बताया गया कि जो हीरोइंस होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छे घर की नहीं होती हैं और ये बहुत अच्छा काम नहीं है। तो फिर अब मतलब ये जो समझाया गया, और ये सहेलियों ने ये बताया, बड़े लोगों ने नहीं, उन तक तो ये बात पहुंची ही नहीं थी, आपस में जो बात होती, तो वहीं से ये डिसाइड कर लिया नहीं फिर नहीं बनेंगे, क्योंकि हीरोइन बनने में तो मतलब बहुत और सारी बातें हैं जो, तो वहां से। लेकिन वो जो बनना था वो था कहीं मन में, वो बाद में आता है। तो फिर ऐसे करके ना बदलता रहा सब कुछ कि अब क्या बनना है, अब क्या बनना है। डॉक्टर बनने का सब नंबर बहुत अच्छे नहीं आए तो चेंज करने पड़े सब्जेक्ट, फिर आर्ट साइड में आ गए। फिर बीए के पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था भी नहीं, मतलब सेकंड डिवीजन पास हो गए तो ठीक है, बीए में धोखे से हमारी फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो उसके बाद लगा नहीं ये तो मतलब इतना मुश्किल नहीं, अदरवाइज हम जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां थी उनको बुक वर्म्स बोलते थे, कहते थे इनको मतलब यही सब है, बाकी एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटीज में बराबर से पार्टिसिपेट करना है सब। तो वो चीजें कहीं अंदर ही अंदर पक रही थी, मालूम नहीं था हमको कि क्या। लेकिन लिटरेचर में इंटरेस्ट फिर वहां से बढ़ा, एक साइकोलॉजी में और हिंदी लिटरेचर। उसके बाद से फिर वो मतलब जब लोगों की पढ़ाई खत्म होती है उस वक्त हमारी पढ़ाई शुरू हुई, उस वक्त मन में जिज्ञासा आई और यह उत्साह मिला हमको, ये प्रोत्साहन कि पढ़ना है। तो वहां से जो पढ़ना शुरू किया तो वो फिर एमए किया और फिर तो मतलब लाइब्रेरी, और तो फिर जो जुड़ा हुआ शायद वहीं से कहीं से लेखन भी आया। तो आपने कॉलेज की बात की तो मैं आपका आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें कुंवर बेचैन जी का आप जिक्र करती हैं, तो कुंवर बेचैन जी हमारे भी बड़े भाई की तरह हैं, तो मुझे कुछ बहुत मीठी स्मृतियां हैं उनकी मेरे साथ, यहाँ हमारे घर पे आ चुके हैं। क्या बात है? तो कुंवर बेचैन जी के बारे में बताइए कि आपने जो गजल लिखना, जहाँ तक मेरी समझ है, वो पहला लेसन आपको कुंवर बेचैन जी से मिला, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिर मंगल नसीम जी का आपने जिक्र किया जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो मैं शायद जंप कर रहा हूँ लेकिन चलिए उनके बारे में। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्योंकि सफर लंबा है, हर चीज तो मतलब जंप करनी ही पड़ेगी तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। डॉक्टर साहब ने तो हमको पढ़ाया भी है, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने, हमारी शादी बीए किया हमने, शादी हो गई थी, फिर गाजियाबाद आए और वहां में एमएमएच कॉलेज से हिंदी लिटरेचर में एमए। जी जी, तो डॉक्टर कुंवर बेचैन तो गुरु दोनों तरह से हमारे, तो लिखते थे हम, छपते नहीं थे, मतलब छपने का शौक भी नहीं था, वह डायरी में रहती हैं कविता उस तरीके से। तो पहली कविता सर ने ही हमारी जो है लोकल पेपर में, उन्होंने कहा नहीं दीप्ति आप बहुत अच्छा लिखती हैं, वहां से फिर छपने की शुरुआत हुई। फिर सर का ये था कि वो घर आते थे तो बेटा था हमारा, उसके लिए टॉफी लेकर के आते थे और
हम लोग बैठते थे, फिर जो हमने कहा होता था डायरी में जो लिखा होता था, फिर उस पर चर्चा होती थी, फिर हम उनको सुनाते थे, फिर सर कहते थे हाँ ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इस तरह का। तो एक लंबे वक्फे के बाद, ये 90s की बात है, हाँ 90 होगा, तो सर एक बार, तो उस वक्त नोएडा में थे हम लोग, एमए कर चुके थे और वापस नोएडा आ गए थे। तो एक बार सर आए घर और हमने उनसे कहा कि सर हमने आपकी सर गजल लिखी है। अच्छा आपने गजल लिखी है, अजी अच्छा दिखाइए क्या लिखा है। तो बहुत कुछ बकवास सा लिखा था हमने, मतलब जो जोड़ तोड़ के, रदीफ काफिया का तो मतलब भी नहीं मालूम था उस समय। तो सर ने उसको पढ़ा, बोले आपको मालूम है गजल किसे कहते हैं। हमने कहा जी सर मालूम है किसे कहते हैं। हमने कहा कपलेट्स होते हैं, उसमें पहला वाला फ्री होता है दूसरा तुकांत होता है। ये गजल की इंफॉर्मेशन थी उस वक्त हमारे पास। जी तो उसके बाद फिर उन्होंने, मतलब बड़े सर का कमाल है कि बहुत पेशेंस से उन्होंने उसको पढ़ा जो भी हमने लिखा हुआ था गजल के नाम पे। और फिर उन्होंने कहा कि दीप्ति आप गजल कहेंगी, आप कहेंगी है वो बात। और फिर उन्होंने हमको गजल के बारे में, बेचैन जी का यही है कि न केवल अच्छे गजलकार हैं बट अच्छे अध्यापक भी हैं। वो तो अध्यापक तो हैं ही, वो जी, उनकी किताब भी है गजल के बारे में, गजल के बारे में, गजल लिखने के बारे में। हाँ, और वो इतने अच्छे अध्यापक हैं कि इसके पहले हम फ्री वर्स में लिखते थे तो हमको छंदबद्ध होना आता ही नहीं था। जी, और सर ये कहते थे कि नहीं आप कहेंगे, और होता ही था कि हमारा और सर का झगड़ा हो जाता था। हम सर से कहते थे सर ये रहा मफहूम, ये रहा शब्द, आप कर लीजिए हमसे नहीं होगा, हम तो फ्री पेशेंस है उनमें काफी पेशेंस है, बट हमें नहीं मालूम था, वो जानते थे। जी, यही गुरु होता है, गुरु को मालूम होता है कि उसके शिष्य में जो है वो कितना कैपेबल है, शिष्य को नहीं मालूम होता। जी, तो फिर तो वहां से जी तो बस वो शुरुआत हुई। तो फिर उसके बाद गजल ने हमें नहीं छोड़ा और हमने गजल को नहीं छोड़ा। तो दीप्ति जी, अब गजल की बात हो रही है तो अब आपकी कोई एक गजल हो जाए आपसे, हम आपकी जो सिग्नेचर गजल है जिसे आप सुनाते सुनाते शायद थक भी गई हो, वो तो हम सुनेंगे ही, है तो है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई एक और गजल सुनाएं। जो मेरे ध्यान में आ रही हैं वो कई गजलें हैं कि जिस्म क्या है, चीज क्या, चीज है ये जहाँ क्या है, और दोनों के दरमियाँ क्या है, या करार दे के मुझे बेकरार किया, या आज तुमने किस तरह से प्यार किया, या जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे। तो जो भी आपका मन करे इनमें से आप एक गजल सुनाइए और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये है कि जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे। क्या बात है। जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिससे तो हमने खुद को जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नजरिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। इसी का दूसरा मतलब ये कि जिससे हमने खुद को देखा तुम वो एक नजरिया थे। वाह 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 वाह। जिससे हमने खुद को देखा तुम वो एक नजरिया थे, खुद को खोकर खुद को पाया, तुम तो केवल जरिया थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे मुझे दूसरा वाला बेहतर लगा। बहुत बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया। और है कि सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है। क्या बात है। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। दरिया थे। क्या बात है, क्या बात है। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। क्या बात है। अरे कि मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। वाह 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 वाह। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको,
साथ भला कैसे निभता, हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और है कि जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। तुम अपनी पत्नी गोपी और राधा के सांवरिया थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आखिरी शेर है, आपकी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अब समझे केसरिया थे। वाह वाह। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था केसरिया थे, जिसे तुम मुझको देखा। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कबीर की झीनी चादरिया को जिस तरह से आप लेकर आई हैं, बहुत ही अच्छा। एक जिसको बोलना चाहिए कि कहाँ श्रृंगार खत्म होता है, कहाँ से दर्शन शुरू होता है, बिल्कुल स्मूथलेसली आपने उसको बयान किया एक ही गजल में। बहुत बहुत बढ़िया। और जब ये बात हो रही थी तो मैंने आपको कहा कि मुझे दूसरा वाला मतला अच्छा लगा। यहाँ चैट बॉक्स में हमारे मित्र और बहुत अच्छे कवि घनश्याम गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे पहले वाला अच्छा लगा था। चलिए हमारी तो चांदी हो गई, दोनों तो आपको तो दोनों तरह के मिल गए हैं जी। तो चलिए चलिए चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके अनुभवों की बात की जाए। कि जैसा हमने कहा कि गुलाम अली साहब ने आपको गाया है, और गुलाम अली साहब तो जिस गजल को गा दें वो अपने आप में अमर हो जाती है, और हरिहरन साहब ने आपको गाया, तो उनके साथ कुछ हुए अनुभव और कुछ मीठी बातें अगर आपको याद हो, अगर बताना चाहें तो। हाँ, अनुभव अच्छा ही रहा। गुलाम अली साहब की खासियत यह है कि वो जब गजल गाते हैं तो मतलब जिस तरह से वो पूछ रहे थे कि मोहतरमा इसे कैसे गाना है, इस लफ्ज को कैसे बोलना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनको जी जो रिकॉर्डिंग जिस वक्त हो रही थी हम बराबर, तो वो एक एक मिसरा गाते थे और पूछते थे, ठीक है, मतलब वो जो हमारे कंपोजर थे उनसे तो पूछते थे, हमसे स्पेशली पूछते थे कि उनसे पूछो ठीक है। तो ये मतलब उनका जी ये बात कि राइटर सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है उनकी, उस तरह से उनका रहा। और हरिहरन जी का तो बड़ा मजेदार था किस्सा। हम फोन आते रहते हैं लोगों के, तो ऐसे एक फोन आया और उन्होंने कहा दीप्ति जी, मैंने जी बोले आपकी जो गजल है तो है, ये हम गाना चाहते हैं। तो आपने कहा अच्छा ठीक है गा लीजिए। तो बोले आप पूछेंगे नहीं कौन बोल रहे हैं, कौन बोले मैं हरिहरन बोल रहा हूँ। तो एकदम उठ के बैठ गया, अरे हरिहरन जी सर आप ये वो। फिर खैर तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और उन्होंने उसको गाया और एक बहुत अच्छा सा चेक भी दिया मोटा सा, जो कि बहुत कम होता है, लोग नहीं देते। तो मतलब इस गजल को लेके हरिहरन जी ने जो सम्मान दिया है जिस तरह से, बहुत बड़ी बात है। तो वो गजल आप अभी सुनाना चाहेंगे या उसको थोड़ा बाद के लिए रखें? विषयांतर करते हैं कि आपने गजलें तो लिखी ही हैं बहुत अच्छी, लेकिन आपने जो मैं कहूंगा अधिकांश अतुकांत कविताएं जो आपने लिखी हैं हिंदी में, उनमें से कुछ बहुत ही अंदर तक छूने वाली हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपने कुछ कविताएं लिखी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वहां आपको पूरी छूट देता हूं कि आप जो भी अपनी पसंद की जो भी कविता एक एक सैंपल की तरह हमारे श्रोताओं के साथ। ये है एक कविता है मछली मछली, ये थोड़ी सी लंबी है। जी 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 ये कि बात है तो विचित्र,
किंतु फिर भी है। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटखेलियां करती, बल खाती, चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पहरो देखता रहता उस चंचला की अटखेलियां। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। क्या बात है, बंध गए दोनों प्रेम बंध। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना, बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनहार की, एक बार सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न। पुरुष ने मछली से मनोहार की, एक बार सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल वो मछली जल से बाहर आ गई। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल वो मछली जल से बाहर आ गई, छटपट आ गई, बहुत बुरी तरह से छटपट आ गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में, प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प सारी छटपटाहट जाती रही। एकाकार हो गए दोनों। ये थी प्रेम की पराकाष्ठा। क्या बात है, क्या बात है। तृप्त हो प्रेमी ने प्रेयसी को जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये। बड़ा दर्दनाक था ये मेल, हर बार पूरी शक्ति जल में। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक मेल, हर बार पूरी शक्ति बनाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और बहुत बहुत जल में। बहुत दिनों तक एक दिन मछली को जाने के सूझी उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊं, मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला, कुछ पल को अपनी सांस रोक लो। मछली ने कहा, सांस रोक लो यानी जीना रोक लो, कुछ पल जीने ही तो आता हो तुम्हारे पास, सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे। बहुत अच्छी। मछली अवाक थी, एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। बहुत अच्छे। मछली अवाक थी, एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराई। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। उधर अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक और सोच रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रही हूँ। थोड़ी सी बीच में, अंत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी आवाज में आपकी। हाँ, वही हमें लग रहा है। क्या उसको रिपीट करें? उसको आप अगर आप कर दें तो। जी जी, हम जी, ये था कि मछली आवाज थी, एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य। जी था।
कुछ भी और चाहने को शेष लिए अनभिज्ञ पुरुष वही बैठा है और सोच रहा है मेरा घर है। चलिए नहीं अच्छा रहा, इस बार फिर थोड़ी सी लगता है कि ये पुरुष प्रकृति और प्रेम का पारस्परिक संबंध हमारे नेटवर्क को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बार भी थोड़ी सी आपकी आवाज में गड़बड़ हो रही है, तो आप शायद दोबारा। हाँ जी हाँ 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 तो नहीं मैं यही कह रहा था कि लगता है कि वो पुरुष प्रकृति और प्रेम का पारस्परिक संबंध हमारे नेटवर्क को ठीक नहीं लग रहा है। जी बाधित कर रहा चलिए इस पे आते हैं। तो नहीं नहीं बहुत 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 ही बढ़िया कविता लगी आपकी, और जिसको मैं कहूंगा कि आप इसका ढिंडोरा नहीं पीट रही हैं, लेकिन जो स्त्री विमर्श पे जो कविताएं लिखी गई हैं, और तो मैं इसको उसी श्रेणी में रखूंगा कि जो बात है पुरुष पुरुष का नजरिया और स्त्री का नजरिया, अलग अलग एक ही बात को अलग अलग नजरिए से देखने का, वो आपने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है इस कविता में, तो बहुत बहुत बधाई। और तो अब आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने और हमें लगता है हमारा ठीक है, आपका नेटवर्क गड़बड़ है। अच्छा नहीं आपको मेरी आवाज आ रही है या आपको? हाँ अब आ रही है। हाँ अब आपकी भी आ रही है, अब आपकी भी आ रही है, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। जी जी बीच में गायब हो जाते हैं, क्या व्यवधान है समझ में नहीं आ रहा। चलिए वो कहते हैं ना कि कुछ कविता श्रोताओं की के इमेजिनेशन के लिए भी छोड़ देनी चाहिए तो वही आपने किया कि आपने अपनी कविता लगभग पूरी सुना दी। थोड़ा सा अब हम छोड़ देते हैं श्रोताओं के इमेजिनेशन के लिए कि आपने क्या कहा होगा उन उन मौन क्षणों में चलिए तो मैं अगली बात जो मैं करना चाह रहा था कि आपने हिंदी की कविताएं लिखी हैं और उर्दू की गजलें लिखी हैं, और बल्कि मैं जिसको मुझे सही शब्द नहीं समझ में आ रहा, मुकम्मल गजलें लिखी हैं जो कि तकनीकी दृष्टि से भी पूरी तरह से बिल्कुल ठीक ठाक लगती हैं। तो ये जो आपका जो ट्रांजिशन हुआ हिंदी हिंदी कविता से, मैं कहूंगा कि आपने अभी भी आप लिखती हैं लेकिन आपकी जो मेन जो पहचान है वो एक गजल गजल लिखने वाली उसके गजलकार के रूप में है, तो ये बताइए जरा ये ट्रांजिशन जो है वो कैसे हुआ और उसके लिए आपको क्या प्रयत्न करने पड़े, क्योंकि गजल तो कहने की चीज है लेकिन वो अपने आप तो नहीं आ जाती, मतलब कुछ कुछ सीखना पड़ता है, कुछ उसके लिए आपने जरूर कुछ मेहनत की होगी, कुछ उस जर्नी के बारे में आप बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कई श्रोता हैं जो सुनने वाले हैं वो भी एक हम लोग कविता की पाठशाला चलाते हैं यहाँ पे, उसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कविता के शिल्प, कविता तो करना कोई किसी को सिखा नहीं सकता लेकिन उसका जो शिल्प है वो हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, तो काफी लोग हमारे यहाँ पे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं कविता की पाठशाला से, तो जरा बताइए कि गजल को सीखने के बारे में आपकी जो जर्नी है उसका जो शिल्प है उसको कहने का तरीका है उसके बारे में। हाँ तो ये जैसा कि हमने बताया इसकी शुरुआत डॉक्टर साहब से हुई, डॉक्टर कुंवर बेचैन से, तो उन्होंने पहली बार उन शिल्प से वाकिफ हम वहां हुए, उन्होंने बताया गजल का शिल्प होता क्या है ना, तो जो बेसिक्स थे वो डॉक्टर साहब से सीखे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लिखते गए और करते गए, और फिर ये था कि शुरू शुरू में जो भी गजल कहता है ना वो पहली पुस्तक में जब उसकी आती है तो वो मीर गालिब से कम नहीं होता, उसको सबसे ज्यादा ज्ञान होता है उस वक्त। जैसे 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 वो जानता जाता है वैसे वैसे उसको पता चलता जाता है कि उसका ज्ञान बहुत कम है। तो जो पहली पुस्तक आई थी तो हम भी बहुत बड़े शायर थे, धीरे धीरे हमें पता चला कि हम बड़ा बड़ा होना चाहते हैं। हाँ
तो उस प्रोसेस में फिर जो सीखने की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल हमने जिसको कहते हैं ना एकदम अपने आप बहुत मेहनत की है, बहुत साधना की है, उसको बहुत मांझा है अपने आप को, घंटों जी। प्रैक्टिस करना है कि मतलब शिल्प को लेकर के। तो जी। और उसमें हम लकी रहे कि भाई बाद में हमको मंगल नसीन साहब मिले, उनसे गजल की बारीकियां, नोक पलक जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें। फिर हिंदी और उर्दू की जो बात है, जब हम बॉम्बे में आए तो हमें नहीं मालूम हम किस भाषा में हम गजल कह रहे हैं, हमें यह मालूम। तो यहाँ उर्दू वालों ने जैसे हाथों हाथ लिया हमको, और उन्होंने कहा कि आप उर्दू गजल कहती हैं। तो जी हमने जी कहा हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारी भाषा, हमारी जबान में उर्दू है, लखनऊ से हैं तो हमारी जबान में उर्दू है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल, आपका जो व्याकरण है वो भी उर्दू गजल का है, और आपका लहजा और भाषा तो है ही है। फिर जो हमको उनसे इतना ज्यादा जो प्यार मिला, जी जी उसने हमको मजबूर किया कि हमने फिर बाकायदा उर्दू पढ़ना लिखना सीखी। जी जी तो इस तरह से मतलब हिंदी अपनी जगह है, हिंदी में भी कहते हैं, और नहीं, और इस तरह आपकी से ये। जो बड़े जी लंबे लंबे बहर में आपने जो गजलें हाँ लिखी हैं वो हाँ हाँ लंबे लंबे काफिये होते हैं, आप रदीफ जी होते हैं आपकी गजलों में, तो जी जी वो जी जो है एक अलग सी आपकी पहचान सी है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो हाँ उसकी वजह भी ये है क्योंकि हमने मतलब उसको कैसे, जैसे हमने पढ़ा है लोगों को और पढ़ने के बाद भूल गए, जी मतलब जी एक अपना एक्सपेरिमेंट किया है हमने। ये नहीं था कि बने बनाए रदीफ, बने बनाए काफी काफियों को ले लें और उस पे गजल कहें, वो सोच ही नहीं रहे। रदीफ काफिये बाद में आए हैं, पहले सब्जेक्ट आया है, जी मफहूम से वो बने हैं, मतलब रदीफ काफियों से मफहूम नहीं पकड़ा है हमने। और वो लगता है उसमें गजलों में बिल्कुल साफ लगता है कि कई जी बार कई गजलें ऐसी होती हैं जिसमें काफिये पहले से तय किए होते हैं कि कई यही फिट होंगे, और हाँ उसके बाद फिर गजल लिखी जाती है, तो जी कुछ शेर जो हैं वो लगते हैं कि जबरदस्ती कथ्य नहीं है उनमें, लेकिन जबरदस्ती काफिया फिट करने के लिए लिखे गए हैं। लेकिन आपकी जी जो गजलें हैं उसमें ये बात जो है, और यहाँ पे मैं उसका, चलिए उस पे आते हैं हम लोग, जो है तो जी है आपकी जो गजल है, अच्छा सुना, अब उसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत आपने रदीफ लिया है उसका, और जो जो कहा है आपने शेरों में, जो बेबाकी है, जो जो वो देखने लायक है, तो चलिए उस पे आते हैं। जी आपकी सिग्नेचर गजल, गजल है तो है। ये के वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में यह हिमाकत है तो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शम की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। बहुत अच्छे, दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, बहुत दोस्त बनकर दुश्मनों से वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत तो है, बहुत है। कब अच्छे। कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है क्या बात तो है, है। आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीनों आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है, वो क्या बात है, नहीं मेरा मगर इससे मोहब्बत है तो है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इसमें जो मुझे लगती है, जो बात जो आती है जी सिमट के, कि जिंदगी को अपने तरीके से जीने का तरीका जो है, जो कि जी जो
जो बेलॉस जो बिंदासपन है वो झलकता है इसमें कि जिंदगी को अपनी शर्तों पे अपने तरीके से जिससे जीने का, जो एक बहुत बहुत बढ़िया गजल है आपकी, और ये हरिहरन साहब ने गाई भी है जैसा आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए ये हुआ, अब हम लोग कुछ कैथी अगर आप हैं तो हम कुछ जो हमारे श्रोता अगर पूछना चाहें सवाल, ये फिर बस क्या तो जी हाँ, तो हमारे बीच में घनश्याम गुप्ता जी हैं, सतीश मलिक हैं हमारे दोस्त, मानुषी चटर्जी हैं, तो इनमें से जो भी सवाल पूछना चाहें एक बार हम इनको मौका देते हैं। हमारे पास करीब 15 मिनट है तो हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और फिर हम एक बार अंत में 5 मिनट के लिए फिर से हम लोग आपके बीच में आएंगे। तो कैथी इनको कैसे हाँ घनश्याम गुप्ता जी मेरे ख्याल से आ रहे हैं, तो घनश्याम गुप्ता जी बहुत खुद अच्छी गजल लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, फिलाडेल्फिया में रहते हैं। घनश्याम गुप्ता जी आपका स्वागत है, आप अपने आप को म्यूट करेंगे, अनम्यूट आई मीन नेट ने दुखी कर ही दिया है नहीं ये तो घनश्याम गुप्ता जी की गड़बड़ लग रही है जी, वो लिख तो रहे हैं और उनकी आवाज भी आनी शुरू हुई है, नॉइस आ रहा है, तो गुप्ता जी आप अपना सवाल अगर चैट बॉक्स में ही लिख दें तो मैं उसको दीप्ति जी तक पहुंचा दूंगा। और इतने बीच इस बीच में अगर सतीश मलिक जी कुछ पूछना चाहें या मानुषी कुछ पूछना चाहें स्वागत है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है भाई। अच्छा अच्छा तो आप कुछ कहना चाहेंगे दीप्ति जी से? नहीं, जो पहली गजल सुनी थी ध्यान से वो बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी घनश्याम जी सुनाई दे रही आवाज आपकी? मेरी कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझे समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा, लेकिन सुनाई दे रही होगी, मैंने अनम्यूट किया था अभी। नहीं आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। और सतीश मलिक जी अगर कुछ शायद पूछना चाहें तो सतीश मलिक जी को हम ला सकते हैं। हाँ घनश्याम जी आप दिखने भी लगे हैं आप, चलिए उनका म्यूट है। हाँ वो म्यूट है, नहीं वो सवाल तो उन्होंने पूछ लिया। और मानुषी अगर पूछना चाहें, सतीश मलिक, अमीशा अनेजा हमारे बीच में हैं, अमीशा आप कुछ पूछना चाहेंगी? सतीश मलिक जी आ रहे हैं हमारे बीच में जी। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार अनूप। हाँ नमस्कार जी, बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें कार्यक्रम में आयोजित करा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, और पहली बार मैं इनको सुन रहा हूँ, बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल का जो वातावरण है वहां पर जिस तरह की चीजें लिखी जा रही हैं सुनाई जा रही हैं उसके बारे में आपका ख्याल है? मुझे तो लगता है कि स्तर इतना नीचा गिर गया है अधिकतर लिखने वालों का कि बहुत ही बुरा लगता है सुन करके कभी कभी, आप उसमें कुछ अपने कहना चाहेंगे? जी सर आप बहुत सही कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही विचार मेरे भी हैं, और दरअसल लिखना जो है वो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों लिखते हैं। मैं तो मेरा अपना जो है मेरा लेखन मेरी मजबूरी है, मजबूरी मतलब जब तक अंदर से कुछ आता नहीं उतरता नहीं है जो हमें इतना बेचैन या परेशान नहीं कर देता कि उसे कलम पे उतरना है तब तक नहीं लिखते। लेकिन आजकल जो लेखन हो रहा है वो शायद डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब किताब है कि क्या चाहिए। जैसे इस वक्त हॉट केक है कोरोना, वो इस कदर लोग उसको लिख रहे हैं कि कोरोना ने इतना परेशान नहीं किया होगा जितना इन गीतों ने और कविताओं ने कर दिया है। सच के पेंडेमिक
ऑफ क्रिएटिविटी आजकल चल रही है एक तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीपी जी, इसी से फिर जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये आपने शायद जवाब दे भी दिया है उसका, कि आप मुंबई में रह रही हैं लेकिन और आपने टीवी सीरियल्स के लिए आपने लिखे और सब कुछ किया। तो मैं ये पूछा था कि आपने मुंबई में आप रह रही हैं, आपने टीवी सीरियल्स के लिए लिखा लेकिन फिल्मों के लिए आपने कभी, मेरे ख्याल से यही कारण है कि आपने कभी उस तरफ गंभीरता से नहीं सोचा कि ऑन डिमांड लिखने वाली बात जो है। हाँ, एक्चुअली हमने टीवी सीरियल्स के लिए भी नहीं लिखा, हम फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में लिखना ही नहीं चाहते। लिखा है हमने, और जो हमने लिखा है वो हमसे जबरदस्ती लिखवाया गया है बहुत प्यार से, तो इतना कोई हमारे नखरे बर्दाश्त कर ले तो हम लिख देंगे। तो क्योंकि वहां पे वही हमने वो जो सिस्टम है ना, वो धुन पे और आप उस तरह से, और बिल्कुल आप वो कारोबार है, और हम लेखन हमारा कारोबार नहीं है, हमारे लिए वो साधना है, तो इसलिए हम उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। और जो हमने लिखा है राष्ट्रीय के लिए लिखा है, राजकुमार बड़जात्या ने, राजबाबू ने, उन्होंने जिस तरह से हमसे लिखवाया है जितने प्रेम से, तो वो वही करवा सकते थे। या और हमने एक दो मित्रों के लिए लिखा है, फिल्मों में गाने लिखे हैं, तो वो हमारे मित्र ही हमसे करवा सकते थे, अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। हाँ, जो हमने लिखा है उसमें से चाहिए तो जरूर ले लें, और उसमें से ले भी रहे हैं। जी, 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 जी। तो ये है। बहुत बहुत बढ़िया। और अब दीप्ति जी, अगर आप इजाजत दें तो आपकी थोड़ी सी पारिवारिक जीवन पे हम लोग आए। हाँ, बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि जैसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, आपने इसको उल्टा कहा है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, और वो जो मैन बिहाइंड दैट इज अनूप चंद्र मिश्रा। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अनूप नाम के लोग अक्सर अच्छे ही होते हैं। तो कुछ बताइए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में और किस तरह से। ठीक है, पहली बात तो ये कि नहीं, हम अपने बारे में यही कहना चाहेंगे कि बिहाइंड मी हम ही हैं, अपने पीछे भी हम ही हैं, और इसका पूरा क्रेडिट हम खुद लेंगे जी, हम किसी और को नहीं देंगे जी, जी। कारण ये है कि जो कुछ भी हमने जीवन में किया है, जो भी पाया है जी, वो हमने बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से, बहुत लगन से, बिल्कुल, हमने अपने को खुद प्रूव किया है एक बार। और अच्छा, दूसरी अनूप जी की जहां बात है, उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि उन्होंने कभी हमें रोका नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप जीवन में कुछ करना, स्पेशली महिला जब कुछ जीवन में करना चाहती है, तो हमेशा उसके ऊपर उसके परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं, और तो ये होता है कि उसके लिए हमेशा एक वर्जना होती है या कुछ निश्चित लाइंस बना दी जाती है कि इसके पार नहीं। लेकिन वो नहीं था हमारे वहां, उन्होंने कभी भी उस चीज को, और एक और बात है कि उनको जो कॉन्फिडेंस था हमारे ऊपर, एक तो उन्होंने कभी उंगली पकड़ के ये नहीं, उन्होंने कहा जॉब करो। तो जैसे एक होता है ना कि जैसे जब कोई किसी बच्चे को तैरना सिखाना है जी, जी। तो उसको पूल में डाल देते हैं, वो हाथ पैर मारता है, सीख जाता है तैरना। जी, जी, जी। तो उसी तरह से मतलब उनका ये, तो तुम करना चाहती हो जॉब करो, ठीक है, सीख जाओगे, जान जाओगे, तो उन्होंने कभी उंगली पकड़ के इस तरह से ये कि ये मत करो, ये मत जो एक्सपीरियंस करो, तो उस तरह से जो हमने सीखा, जो जाना, उससे फायदा बहुत हुआ जी, जी। और दूसरे जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो ये था कि हम इनसे पूछते थे कभी कभी कि आप, हम इतना बाहर जाते हैं इस तरह से, आपको लगता नहीं है कभी कि कोई आपकी पत्नी को ले गया? तो बोले नहीं, इसकी चिंता नहीं है कि कोई तुम्हें ले गया, हमें इस बात की चिंता है कि तुम किसी को लेके न आ जाओ कि आज से यही रहेंगे। बहुत अच्छे। चलिए चलिए।
तो अब हमारे पास दीप्ति जी करीब 6-7 मिनट बचे हैं, तो आप अब मैं आपको मंच सौंपता हूं, आप अगर अपनी कोई एक अच्छी सी गजल सुनाना चाहें तो गजल सुनाएं, बात करना चाहें तो बात करें, जो भी कुछ रह गया हो अपने बारे में बात करना चाहें, या गजल जो आपकी जो आपका मन हो हम सुना देते हैं हनुमान अपनी पसंद। अच्छा, यह है, इनकार करूं इकरार करूं ये इश्क कहां जा छोड़े है। वाह वाह, इनकार करूं इकरार करूं ये इश्क कहां जा छोड़े हैं, जब जी चाहे ये दिल जोड़े, जब जी चाहे दिल तोड़े। वाह वाह वाह, इनकार करूं इकरार करूं ये इश्क कहां जा छोड़े हैं, जब जी चाहे ये दिल जोड़े, जब जी चाहे दिल तोड़े हैं, जो सपना है वो अपना है। वाह वाह, जो अपना है वो सपना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो सपना है वो अपना है, जो अपना है वो सपना है, मैं अपना सपना छोड़ भी दूं पर वो कब मुझको छोड़े है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो सपना है वो अपना है, जो अपना है वो सपना है, मैं अपना सपना छोड़ भी दूं पर वो कब मुझको छोड़े है। बहुत अच्छे। ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं। क्या बात है, क्या बात है। ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं, जब इश्क किया तो इश्क किया, कोई सौदेबाजी थोड़े है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये दिल की दुनिया है, इसमें नुकसान नफा में क्या देखूं, जब इश्क किया तो इश्क किया, कोई सौदेबाजी थोड़े है। यूं दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो, दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो, इस दिल की अदला बदली में कोई टूटे है कोई तोड़े है। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यू दिल के लेने देने से पहले तुम इतना जान तो लो, इस दिल की अदला बदली में कोई टूटे है कोई तोड़े है, दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया। बहुत अच्छे, वाह वाह। दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया, अब टूटी किरचे चुन चुन कर क्या जाने वो क्या जोड़े है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल टूट गया तो टूट गया और बिखर गया तो बिखर गया, अब टूटी किरचे चुन चुन कर क्या जाने वो क्या जोड़े है। इनकार करो इकरार करो ये इश्क कहां जा छोड़े है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीप्ति जी। और चलिए, अब मेरे ख्याल से हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो 2 मिनट अब हम एक बार फिर से मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमें उन्होंने ये मौका दिया। और प्रभा खेतान फाउंडेशन कलम सीरीज के अलावा भी जो प्रयास कर रही है भारत में, और उसको हम लोग भारत से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कुछ लंदन में कुछ आपने भी कार्यक्रम किया था लंदन जी, में जी बिल्कुल, मैं देख रहा था उसका वीडियो, तो लंदन में हुआ है, यहाँ हम लोग न्यूयॉर्क में हम लोग चाहेंगे कि हम लोग नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रम करें। और अभी तो आपसे वर्चुअल मिलने का मौका मिल रहा है, लेकिन हम आशा करेंगे कि कभी आपसे रूबरू आपको देखें और आपसे सुने, और जिससे कि आप भी श्रोताओं की तालियों को सुन सकें जो इस समय संभव नहीं हो पाया, लेकिन जो चैट बॉक्स में जो कमेंट्स आ रहे हैं वो सभी बहुत बहुत सबको आनंद आ रहा है। और इसके साथ ही झिलमिल अमेरिका के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि झिलमिल अमेरिका जो है वो पिछले 4 बरस से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं या जो यहाँ के भी लोग हैं लेकिन जिन्हें भारतीय संस्कृति में, संगीत में, कविता में रुचि है, उनको हम कुछ अलग तरह के कार्यक्रम दे सकें, चाहे वो संगीत से जुड़े हों, चाहे नृत्य से, नाटक से, कविता से, तो यही हमारा प्रयास है। और इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आई, हमारे श्रोताओं को बहुत ही निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ आनंद आया इसको आपको सुनने में, और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब अंतिम शब्द आपके होंगे और उसके साथ हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे।
अंतिम शब्द क्या, हमें बहुत अच्छा लगा अनूप जी आपसे बात करके, और श्रोताओं से तो खैर नहीं बातचीत हो पाई, लेकिन प्रभा केदान फाउंडेशन का कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आप सबसे मिल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ, आपकी बात मुझ तक पहुँच रही है, और शुक्रगुजार हूँ वाणी प्रकाशन की भी जिनसे कि ये पुस्तकें मेरी जो है, और हाँ ये तो मैंने कहना ही भूल गई कि अभी आइए चौथी पुस्तक ये यहाँ वहाँ कहाँ, जी 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 जी, तो वो वाणी प्रकाशन से है, वो जी वाणी प्रकाशन से ही है, अरुण अरुण माहेश्वरी जी को याद कर लेते हैं, जी जी बिल्कुल अरुण जी, संदीप भटोरिया जी को याद कर लेते हैं, जी बिल्कुल याद करते हैं, नहीं वो अरुण माहेश्वरी जी हमारे भी मित्र हैं, तो जी बहुत अच्छे इंसान है बिल्कुल, तो इस तरह से बिटिया भी आजकल उनके साथ कर रही है काम, बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही है वो, तो चलिए दीप्ति जी एक बार फिर से नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार धन्यवाद, और कैथी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभा केदान फाउंडेशन जिन्होंने आज की इसका तकनीकी संचालन किया, और इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।